सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों अगर आप टिकटॉक के यूजर हैं तो आप लोगों की भी ये ख्वाहिश होगी कि आपकी जो वीडियोस है वो वायरल हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक देखे, आप भी टिकटॉक के ऊपर फेमस हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा, पांच इस तरह के तरीके बताऊंगा जिससे आपकी जो टिकटॉक की वीडियोज है वो वायरल हो सकती है। तो दोस्तों मेरा नाम है असद अली, आप देख रहे हैं HDfunmaza, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की जो मजीद अच्छी अच्छी वीडियो है वो देखने को मिलती रहे। दोस्तों जो सबसे पहला वेज है वो कुछ इस तरीके से है कि टिकटॉक का जो सिस्टम है वो बिल्कुल यूट्यूब की तरह है। जैसा कि यूट्यूब के ऊपर आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं और आपके सब्सक्राइबर उसको देखते हैं, उसको वॉच करते हैं, अगर उसको वीडियो को फुल वॉच करते हैं, उसके ऊपर अच्छा वॉच टाइम देते हैं, तो आपकी जो वीडियोज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर हो जाती है। इसी तरीके से दोस्तों जब आप टिकटॉक के ऊपर कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो टिकटॉक जो है वो 30 से 40 बंदों को वो ऑटोमेटिक आपकी वीडियो शेयर कर देता है। अब वो देखना ये होता है कि जब आपकी वीडियो के ऊपर अगर आपकी वीडियो 15 सेकंड की है तो कम से कम अगर उसको 10 सेकंड तक वॉच कर रहे हैं लोग, तो आपकी वीडियो को टिकटॉक ऑटोमेटिकली अगले 10 से 20 बंदों को रेफर कर देता है। तो दोस्तों इसी तरह आपने जब अपनी वीडियोस को क्रिएट करना है तो क्रिएट करने के बाद उसके अंदर कुछ इस तरह का सस्पेंस पैदा करना है, कुछ जब अगर आप कोई कॉमेडी बना रहे हैं तो उस तरह की कॉमेडी को बरकरार रख रहे हैं ताकि लोग आपकी वीडियोस को एंड तक देखें। तो दोस्तों जब आप अगर आपकी 15 सेकंड की वीडियो लोग उसको 10 सेकंड तक देखेंगे तो आपकी वीडियो के ऑटोमेटिक जो चांसेज होते हैं वो बढ़ जाते हैं कि आपकी जो वीडियोज है वो वायरल हो जाए। तो दोस्तों ये था वो पहला तरीका जिससे आपकी जो वीडियोज है वो वायरल हो जाती है, और यही सबसे प्लस पॉइंट होता है किसी भी प्लेटफॉर्म में अपनी वीडियो को वायरल करने का। तो दोस्तों जो दूसरा तरीका है वीडियो वायरल करने का वो कुछ इस तरीके से है कि जैसे ही कोई न्यू सॉन्ग आता है या न्यू डायलॉग आता है तो आप उसको क्रिएट करें और क्रिएट करने के बाद उसको टिकटॉक के ऊपर अपलोड कर दें। अपनी न्यू सॉन्ग या न्यू डायलॉग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई गाना नया रिलीज होगा या कोई नई फिल्म रिलीज होगी हम उसके डायलॉग या सॉन्ग को कॉपी करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि टिकटॉक के ऊपर कुछ इस तरह की चीज़ों को आप सर्च करें जो टिकटॉक के ऊपर पहले से मौजूद ही ना हो। दोस्तों टिकटॉक का जो सिस्टम है वो इस तरीके से काम करता है कि जब आप टिकटॉक के ऊपर कोई नई चीज़, कोई नया सॉन्ग या कोई नया डायलॉग अपलोड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको ट्रेंडिंग में लेकर चला जाता है, यानी कि उसको वायरल करना स्टार्ट करता है। तो लोगों का जो उसके ऊपर वॉच टाइम है वो अगर अच्छा आता रहे तो उसको भी वायरल होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों जो तीसरे नंबर पे चीज़ होती है वो होती है आपका बैकग्राउंड, यानी कि आप किस जगह पे खड़े होकर अपनी वीडियोस को क्रिएट कर रहे होते हैं। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि जिन वीडियोस को लोगों के अंदर, यानी कि किसी भी बाहर प्लेटफॉर्म के अंदर, किसी रेस्टोरेंट के अंदर या किसी पार्क वगैरह के अंदर या किसी जगह के अंदर जहाँ पे रश वगैरह ज़्यादा होता है, लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है, किसी रोड के ऊपर वहाँ पर जो वीडियोज़ होती हैं वो ज़्यादा वायरल हो रही होती हैं। उसके अंदर ये होता है कि आपकी जो वीडियोस होती हैं वो दूसरे लोगों को भी देखने को मिल जाती हैं और देखने वाला जो वीडियो आपकी वॉच कर रहा होता है वो भी ये बंदा समझ जाता है कि यार वाकई इस बंदे अगर उनको टैलेंट है, इसके अंदर कोई ऐसा कुछ है कि ये बंदा वाकई एक अच्छा क्रिएटिव है, तो लोग उस तरीके से भी आपकी वीडियो को देखते हैं और इससे आपका जो वॉच टाइम है वो बढ़ जाता है और आपकी वीडियोज वायरल हो जाती है। तो दोस्तों चौथे नंबर पर चीज आती है वो होती है कि जब आप वीडियो को क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद आप उसके हैशटैग किस तरीके से लगा रहे होते हैं। तो दोस्तों अगर आप कोई सॉन्ग लाते हैं तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप उसी तरीके से उसी के रिलेटेड जो है वो हैशटैग लगाएं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो कोई अपलोड कर रहे होते हैं और हैशटैग कोई डाल रहे होते हैं, ठीक है, जैसे उन्होंने किसी फिल्म के ऊपर वीडियो, फिल्म का डायलॉग था उसके ऊपर कोई वीडियोज बनाई है और उसकी जो हैशटैग वगैरह वो कोई भी लगा दिया, 02 लगा दिया, 07 लगा दिया, या कोई इस तरह के मतलब उल्टे सीधे टैग लगा दिया, तो उस तरीके से आपकी जो वीडियोज है वो फ्लॉप हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पांचवें नंबर पे चीज आती है वो है आपका ट्रेंडिंग का पेज। तो दोस्तों जो ट्रेंडिंग का पेज है, जैसे आप टिकटॉक ऐप को ओपन करते हैं तो वहां पे आपको एक डिस्कवरी या सर्च का ऑप्शन नजर आ रहा होता है। तो दोस्तों उसको जब आप ओपन करेंगे तो वहां पे आपको मेन इस तरह की चीजें मिल जाती हैं जो आपको पता टिकटॉक बताता है कि ये चीजें इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रही हैं। तो यहाँ पे दोस्तों उन चीजों को आपने कोशिश करनी है कि जो चीजें उस टाइम ट्रेंडिंग में चल रही होती हैं और जिनके जो व्यूज होते हैं वो कम से कम होते हैं, आपने उन चीजों को क्रिएट करना है। जब आप उन चीजों को क्रिएट करेंगे, उनके ऊपर टिकटॉक वीडियो बनाएंगे और उनको अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियोज के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं कि आपकी वीडियोज वायरल हो जाए। और यहाँ पे इसी के साथ मैं आपको बताऊँ कि ट्रेंडिंग के अंदर जब आप लोग वीडियोज को सर्च कर रहे होते हैं तो आप लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि वहां पे ही टिकटॉक ऐप जो है वो बता रही होती है कि इस टाइम ये हैशटैग जो है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो वही हैशटैग को आप लोगों को अपनी वीडियोस के अंदर भी यूज लाजमी करना है। तो दोस्तों ये वो वेज थे, पांच इस तरह के वेज थे जिनको यूज करके आप अपने टिकटॉक की वीडियोज को वायरल कर सकते हैं और 100% कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।